बस्तर दशहरा में अब आगामी वर्ष से एक नया रस्म जुड़ेगा। बस्तर दशहरा में चलने वाले रथ के निर्माण के लिए लगने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब हर वर्ष साल और बीजा के पौधे लगाने का कार्य करने के साथ है, इसे बस्तर दशहरा के अनिवार्य रस्म में जोड़ा जाएगा। यह घोषणा सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने मार्केल में बस्तर दशहरा रथ निर्माण क्षतिपूर्ति पौधारोपण कार्यक्रम में की। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता के साथ अपनी अनूठे रस्म के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस पर्व के चलने वाला रथ एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। इस रथ में निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए वृक्षों को काटने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि बस्तर की हरियाली को बनाए रखने और बस्तर दशहरा में पौधारोपण का रस्म जोड़ा गया है। यह पर्व हरियाली अमावस्या को मनाई जाएगी। तोड़े सीएम साहब कहना ये कि जो वृक्ष फल नहीं देता उसको गांव वाले जाके काटते हैं। अगर आम इमली महुआ डोरा का अगर पौधा लगाएंगे कोई गांव वाला नहीं काटता है, इसलिए फलदार वृक्ष भी लगाए सीएम साहब का स्पष्ट निर्देश रहता है। तो उसी के मार्गदर्शन में हम लोग अब पौधा वृक्षारोपण कर रहे हैं। माता बहने युवा साथियों, निश्चित रूप से आने वाला समय में ये पौधा जब 50-60 साल बाद होगा यही से पौधा जाएगा। हम जिंदा रह नहीं रहे, हम पद में रह नहीं रहे, हम यहाँ पे रह नहीं रहे, लेकिन हमारा लगा हुआ पौधा, हमारा रास्ता दिखाया हुआ जो पौधा और आप और हम लोग का लगाया हुआ पौधा याद करेंगे जब 40-50 साल के बाद तोड़े।